जम्मू टुडे में आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र प्रसाद और कुंदन की रिपोर्ट। आज बिहार विधानसभा क्षेत्र 243वां सीट चकाए, आज हम यहां उपस्थित हैं। जानते हैं इस बार किसका सरकार बनाने जा रहा है, यहां का जनता से राय लेते हैं। नाम बताइए सर। शंकर यादव। इस बार किसको वोट देना चाहते हैं आप लोग? इस बार हम लोग RJD को वोट देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस घर में अंधेरा था उस घर में दीपक जलाने का काम RJD वाला ने किया है। अच्छा। हमारे यहीं स्कूल नहीं था, हमारे सदियों से स्कूल नहीं था। हाँ। अच्छा। वहाँ पर RJD वाले जब लालू जी की सरकार बनी तो हमारे यहाँ स्कूल बना, सिंचाई के साथ साथ छोटा मोटा सिंचाई भी हुआ। हमारे बच्चा शंकरदेव बताइए इस बार किसको आप सरकार बनाना चाहते हैं? इस बार RJD तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाना चाहते हैं। इसलिए उनका पिताजी लालू प्रसाद जी थे, उस समय जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने गरीबों को उत्थान करने का काम किया था। इस बार जो है महागठबंधन का युवा नेता तेजस्वी जी है वो सरकार इस बार 100% बनने सत्य है, और हम सभी युवा बिहारवासी आज तेजस्वी को सरकार बना रहे हैं। चूँकि नीतीश का रीजन में जितने भी महिला असुरक्षित हैं, गरीब गुरुआ का कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे डंडरे जलाशय योजना है जिससे हमारे लाखों किसानों का यहाँ फायदा होगा, वो अभी तक नहीं बन पाया, केवल कागज पे और फोटो पे ही रह जाता है। क्या यहाँ पे तेजस्वी सरकार बनने से वो बरना जलाशय योजना बन पाएगी? 100% बनेगी, 100% बनेगी। हमारे यहाँ का MP MLA सभी मिल करके जो है मुख्यमंत्री हमारे हाथ में रहेगा तो जो चाहेंगे सो करेंगे। क्योंकि उनका पिताजी भी बहुत पहले बहुत बढ़िया काम किया है गरीबों के लिए, इंदिरा आवास वगैरह जो भी है, मैंने शिक्षा उच्चा सब कुछ जो है उसी ने उसी का दिया हुआ है। 15 साल में क्या क्या हुआ आपके गांव में? 15 साल में तो मेरा गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। एकदम रोड जितना है एकदम पूरा खटारा हो गया है, इसके लेकर जैसे हम लोग को मैंने आना जाना सब कुछ मैंने बहुत सब प्रॉब्लम हो चुका। बिजली? बिजली आया है फिलहाल अभी 2015 में से, वो भी जल रहा है। तब मैं बोल रहा है कि रेगुलर 24 घंटा रहेगा तो उसमें जो है ना 12 घंटा भी नहीं रुकता है। बोलिए, रोड तो यहाँ बन गई है, बिजली भी आ गई है, इसके बारे में आपको क्या कहना? रोड बिजली के बारे में इतना जर्जर हालत है कि किसान को पानी के लिए लाइन की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अच्छा। और सबसे पहले नीतीश कुमार क्या काम किया? जल योजना हमारे गांव में दिए हैं, अभी 2 साल जल योजना होने के कारण अभी किसी के घर में पानी तक पहुंचने का काम नहीं किया। जो आज उसको 35 लाख का फंड दे उसको देने क्या जरूरत है? अभी देख लीजिए हमारे बिहार में हमारे गरीब आदमी जो अभी बालू के लिए मर रहे हैं, इंदिरा आवास दे दिया उनको 4,000 रुपए टीप बालू गिराने का काम कर रहे हो, वो बालू नहीं मिल रहा है, दहेज प्रताप उठा दिया, दहेज प्रताप से क्या लाभ हुआ? चरका जाके जहाँ 1 लाख में शादी हो रहा था वहाँ 3 लाख देना पड़ रहा है। उसके बाद चौथा नंबर में जो अभी हम लोग दारू बंद कर दिया बिहार में, 50 रुपए बोतल दारू मिल रहा था, यहाँ अभी 200 रुपए बोतल दारू बिक रहा है। उसके बाद चोरी करवा के नीतीश कुमार के रिजाइन में जितने वाले पुलिस वाले हैं, जितना भी उसका मंत्री है, जितना नेता है, वो चोरी करवा रहे हैं दारू के और दारू का धंधा करवा रहे हैं हमारे बिहार की सरकार के नीतीश कुमार को। इसको हा है करके मुर्दाबाद बोलना चाहिए और नीतीश कुमार मुर्दाबाद। आप लोग सरकार बना रहे हैं इस बार? अब की बार तो युवा का सरकार होना चाहिए जो कि विकास करेगा, विकास के लेकर के सरकार तो बहुत सारा विकास करेगी, एकदम करेगी। नीतीश ने किया है लेकिन कुछ हालत गंभीर है उनका। अच्छा। समस्या गंभीर है कोरोना के लिए, लॉकडाउन के लिए सरकार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार होना चाहिए बनकर का। मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव। कहाँ रहते हैं आप? मैं बेंगलोर में रहता हूँ। क्या करते हैं वहाँ पे? वहाँ लेबर ग्रेड में काम करते। कब आए थे लॉकडाउन में? लॉकडाउन में मैं मार्च अप्रैल में आए थे। फंस गए थे वहाँ पे? वहाँ फंस गए थे, एक महीना मैं बैठ के आया हूँ। अच्छा। दिक्कत क्या हुआ आपको आने जाने में? उधर से आने में मैं 15,000 रुपया खर्चा करके प्राइवेट गाड़ी से आए। अच्छा अच्छा। उसके बाद इधर क्वारंटाइन में 14 दिन रहे, वो भी सरकार बोला है कि क्वारंटाइन के लिए आपको 1400 रुपया मिलेंगे, वो भी अभी तक नहीं मिला। तो इसमें वोट किसको करना है? मैं तेजस्वी यादव को करना चाहता हूँ। थैंक यू। आपका नाम सर? जी मैं अधिवक्ता रामाकांत पासवान, GDS का जिला पदाधिकारी हूँ। और आज सबसे दुख की बात यह है कि आज हमारे देश की सबसे बड़े चेहरा, दलित चेहरा, और दलितों के ही नहीं बल्कि वो सभी तबके के लोगों का
दिल का धड़कन थे जो हमारे बीच नहीं रहे, उसकी क्षतिपूर्ति आज हम पूरे देश में नहीं कर पाएंगे। वैसा नेता जो दलित, पिछड़ा, अगड़ी, पिछड़ी सबों का दिल का दिल पे राज किया करते थे, सबों का हितों के बारे में बात किया करते थे, आज हमारे बीच वह नहीं रहे। बहुत उसे इसके लिए हम सभी पूरे बिहार वासी और पूरे केशव फरका ग्राम वासी आज उनके प्रति दुख व्यक्त करते हैं। ठीक है सर, इस बार किस स्तर आप लोग बनाना चाहते हैं सरकार? जहाँ तक कि रही बात सरकार की बात रही, तो सरकार में यह है कि आज के डेट में जो हमारे नीतीश बाबू जो हैं, आज उनका कार्यशैली को पूरे बिहार जान रहा है। आज दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, खसोट हो रहा है, अफसरशाही हो रहा है, पूरा घुसखोरी चल रहा है। नीतीश सरकार को इस बार हम सभी बिहारवासी उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। थैंक यू। आपका नाम सर? रविशंकर। आप किसको वोट देंगे? हम देंगे चिराग को, देंगे रामविलास को, देंगे और किसको देंगे? क्यों देंगे? हम उसी को देंगे, वो हमारा काबिल है, उसी को देंगे। ये यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक है, उनके बारे में आपको क्या कहना है? उनके बारे में ये काम हमको पता नहीं है। आखिर आपका गांव में क्या विकास किया है? विकास साल हो गया है, इसे विकास करे या ना करे? चलिए, यहाँ का जनता को कहना है कि यहाँ तक कोई विकास नहीं हुआ है। देखते हैं आगे महिलाओं से कुछ क्या क्या है। सबसे पहले हमको राशन नहीं दे रहा, मिला है गरीब आदमी, ये अभी लॉकडाउन के लिए भूखल सब मर रहा, फ्री वाला अनाज हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो इस बार किसको आप लोग बनाइएगा सरकार? अब तो ये बात हम न जान रही है। नाम लखन पास में। कहाँ से आप हैं? केशव फरका से। अच्छा, इस बार जो चुनाव हो रही है, किसका सरकार बनना चाहिए? चिराग पासवान। चिराग पासवान को। अभी जो ये पाँच साल जो बीत गया है, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने यहाँ का कुछ किया है? कुछ नहीं किया। अभी नीतीश सरकार 15 साल हो गया है, आप लोगों को क्या क्या दिया? हमको बुढ़ा पेंशन दिया है, किसान बुढ़ा दिया है बस। और अभी जो यहाँ पे आप बता रहे हैं, दिया है यही सब दिया। अच्छा, तो इस बार किसका चाहते हैं? चिराग पासवान को। अच्छा, उस आप बताइए क्या कमी आपको है? हमको कमी बहुत चीज है। क्या बताइए? पहले हम काल के झगड़ा किया है वो डीलर यहाँ पे, राशन मट्टी और चावल और गेहूँ मिला 14 किलो दिया, वहीं फेंक दिया जा। पंजाब बोलो तो नीतीश कुमार को हम जानते हैं, लालू यादव ढको लोसला है, घोटाले का। थैंक यू। बताइए, नाम बताइए सर। नरेश। आपका क्या रहा इस बार? चिराग पासवान। अच्छा, यहाँ अभी यहाँ के चका विधानसभा क्षेत्र से लोजपा का टिकट किसको दिया गया पता है? संजय मंडल। अच्छा, इसको इस बार। ठीक है। आपका नाम? दिनेश। आपके बार आपका क्या रहा? की बार यही है, संजय मंडल को वोट देंगे। ठीक है, और यार कुछ किसी को नहीं? और किसको देंगे? इसे पिछले बार जो 5 साल में यहाँ से जो विधायक बन के चली गई है, उनके बारे में उसका पैर भी नहीं देखे हैं आज तक। कैसा शक्ल है, पैर कैसा, उसका रूप कैसा, कैसा घर है, कहाँ रहता है, जान दिन करते हैं। एक दिन भी नहीं आया, कहाँ जंगल में रहता कि ताजमहल पर रहता, वो भी पता नहीं है। पता है नहीं। थैंक यू। चिराग पासवान को मैं भी चाहते हैं। और जो 5 साल जो बीत गया है, इसके बारे में क्या कहना है? आज तक नहीं कि किस प्रकार में क्या है या नहीं है। नीतीश सरकार 15 साल दरबे में आपको क्या क्या दिया? क्या दे, वही राशन दे रहा है। यहाँ का शिक्षा क्या है व्यवस्था? शिक्षा में ठीक है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। सब ठीक है, पढ़ाई में। आरती देवी न चना न दाल न कुछ न चीनी न कुछ साबुन तेल सुना, ये संसार में मिलता है हम लोग के कुछ नहीं। वो कुछ नहीं मिलता है ना, सर मिलता है वृद्धा पेंशन मिलता है। अच्छा हाँ, और कुछ नहीं, और वही चावल है, दारवा वाला नहीं खाते हैं लोग बेटा। तो आपको इस बार किसको वोट देना है? वोट किसको दीजिएगा? किसको जब सबको जीत देगा उसी में देंगे, और क्या? अभी पता नहीं है हमको, पता नहीं है, हम पढ़ल लिखल नहीं है बेटा, हम मूर्ख। अच्छा, आदमी अच्छा, है अच्छा। जे में सबको देगा उसमें हम देंगे, जो हमको मानेगा उसी को मानेंगे। किसको मान रहा है 15 साल से यहाँ पे नीतीश
अभी सरकार है, इससे पहले लालू जी थे, ये दोनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हम क्या कहेंगे, हमको नहीं आता है उसको बोलने, क्यों मानता है नहीं मानता है हम नहीं जानते हैं, जो मानेगा उसी को बोलते हैं। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले रोड नहीं था, रोड बन गया, बिजली आ गई, इसके बारे में क्या कहना है आपको? इसके बारे में क्या है, बढ़िया है और क्या है, वोट दिया है बढ़िया है, जो बढ़िया मानेगा। नीतीश सरकार का देन है रोड और वोट, रोड आ बिजली, तो वोट किसको दीजिएगा? उसी को देंगे, नीतीश को दीजिएगा, उसी को देंगे। नाम बताइए सर। मेरा नाम है टुनटुन पासवान। अच्छा, आप क्या करते हैं? यही दुकानदारी करते हैं। अच्छा, दुकानदारी चलते हैं जी। अच्छा, ये चिराग पासवान, आप क्या बोलना चाहते हैं? चिराग पासवान युवा नेता है। अच्छा। समझता है, युवा को समझता है। अच्छा, सबको लेके चलता है, बढ़िया नेता है, और हम चिराग पासवान को ही वोट देना है। और ये तेजस्वी क्या है? ये भी तो नौजवान ही है लेकिन पर हम लोग को इतना यहाँ अच्छे नहीं करता है। नीतीश कुमार भी है, चिराग पासवान को वोट मतलब न आपके लिए, न लालू है न नीतीश है, आपके लिए चिराग पासवान।